खादिमान ईदगाह और मोअज्ज़ज़ साजात इकराम हुफ्फाज़ इकराम अजीज बुजुर्गों अजीज नौजवान अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया प्यार एहसान है हमने किसने को से क्या कही हुजूर नबी करीम रऊफ और रहीम रहमतुल आलमीन आज दिन हाजी साहिबान निना अरबा मुसलबा शैतान है कवियों के बनाए हुए वहाँ शैतान ने इनको कुर्बानी करने से रोका उन्होंने अल्लाह अकबर इस तरह पत्थर मारे तो हाजी ने मुहतरम बताने का यही मकसद है हर उनकी मदार है इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदार है काबे में भी माँ हाजरा का मजार है दरगाह है हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब ने नई कमेटी तशकील पाने पर मुबारकबाद दी है। इसमें एक बात अफसरों में कि ये ईदगाह हो तो लोग अजान देने के लिए एक दूसरे का कत्ल करेंगे, कितनी अजीम नेमत है। तो नई कमेटी जो है तशकील पाई है, मैं भी शख्सी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं भी हाजरी के तौर पर तबरुक में मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आजा मदीने में है। ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المقامات وصاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم أمر الله والشفقة على خلق الله ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى إبراهيم خليله في المنام فأمره بذبح ولده إسماعيل عليهم السلام ये संगारेडी ईदगाह है, पिछड़ का ईदगाह है और ईदुल अज़हा की ईद 9:30 बजे संगारेडी ईदगाह में अदा की गई। हमारे हजरत खतीब साहब हैदराबाद से आते हैं ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए और बेलोज खिदमत है, 40 साल से आप खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर। हम संगारेडी ईदगाह कमेटी का मैं नायब सदर हूँ। ये नई कमेटी तश्कील दी गई है संगारेडी में, बकपोर्ट तेलंगाना का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जनाब मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, सैयद ज़हीर अली सूफी साहब और बकपोर्ट के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब और सीओ साहब और जनाब जावेद भाई बकपोर्ट के मेंबर और एडवोकेट और जनाब श्रीधर रेड्डी साहब डीएसपी जो यहाँ करके गए हैं, तमाम हमारे को कमेटी दिलाने में जैसे कि ताउन करे हैं, हेल्प करे हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम हरीश राव साहब से और चिंता पारुपाकर साहब से हमारी कमेटी संगारेड्डी के बुजुर्गों का उलमा मशाकिन को लेके मुलाकात करेंगी और जहीराबाद में जो घर से जो ईदगाह बनाया गया वैसा ईदगाह संगारेड्डी में इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले तामीर करने का हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। हम अपील करते हैं जनाब चिंता पारुपाकर साहब से और जनाब टी हरीश राव साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आप चाहे तो एक मिनट में 2-3 करोड़ रुपए हमारे को दे सकते हैं ईदगाह के लिए।
तो हम हमारी कमेटी की जानिब से हम तमाम संगाड़ी के मुसलमानों की जानिब से हुकूमत तेलंगाना का जनाब केसीआर साहब का, हरीश राव साहब का और म्यूनसिपल का और पुलिस डिपार्टमेंट का और कलेक्टर साहब का सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये दुआ करते हैं कि हम जैसा तेलंगाना में केसीआर साहब सीएम हैं, आइंदा जो इंतखाबात होंगे 2024 में, 2024 में हमारी दुआ है और हमारी ये संगारेड्डी का ईदगाह है, संगारेड्डी के ईदगाह से तो दुआ होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कबूल होती है। दुआ कर रहे हैं कि तेलंगाना के सीएम साहब केसीआर साहब को अल्लाह ताला जैसे कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे और उन्होंने जो वादे किए हैं केसीआर साहब वो भी पूरा करते हैं। शुक्रिया। हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ईदगाह जो काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत किए, हालांकि तकरीबन 50 मसाजिदों में भी सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 तक नमाजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने ईदगाह में हाजिर हुए उनको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, सलामती, अल्लाह उनकी हर जायज हाजतें पूरी करने के लिए दुआ की गुजारिश है। और बिलखुसूस हाजरीन मोहतरम अभी परसों ही 26 तारीख छठा महीना ये कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह नई कमेटी गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड तेलंगाना गवर्नमेंट से हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आर्डर में आली जनाब मोहम्मद गौसुद्दीन साहब उर्फ खलील भाई जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुलाजिम है और नायब सदर जनाब अलहाज मोहम्मद खाजा साहब, जनरल सेक्रेटरी मैं सैयद जाकिर हुसैन और ट्रेजरर खजानची यानी हाफिज कुतुबुर रहमान साहब और मोहम्मद शफी साहब मेंबर, मोहम्मद अतीकुद्दीन साहब और मोहम्मद सुजात भाई, इन तमाम 7 मेंबरों को हुकूमत तेलंगाना ने नई कमेटी हमें दीसूस चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब का शुक्रिया दिल की गहराइयों से, सीओ ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और जावेद साहब और तमाम मेंबरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम बिल्कुल दिल की गहराइयों से उन्हें भी ईद मुबारक पेश करते हैं। खुसूस संगारेड्डी की आवाम जो काफ़ी तादाद में मस्जिदों में पढ़ने वाले थोड़े मुख्तसर पढ़ लिए उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की तमाम आवाम को जाकिर मैं जाकिर कमेटी की जानिब से दिल की गहराइयों से उन्हें सलाम करते हैं। उनकी सलामती उनकी जायज़ हाजतों की अल्लाह दुआ कबूल फरमाए। आमीन वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।